बुध ग्रह की अनुकूलता रहे जीवन में, इसके लिए बुधवार को पीपल के 3 पत्ते पानी में डाल करके स्नान करने का विधान है। बुधवार को पीपल के पेड़ के नीचे चमेली के तेल का दीपक अगर प्रज्वलित किया जाए तो इससे भी भाग्योदय होता है। 6 परिक्रमा पीपल के पेड़ की क्लॉकवाइज करनी चाहिए। बुधवार को चमेली का इत्र भी पीपल के पेड़ पर चढ़ाने से निरोग जीवन और चिरंजीवी जीवन की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो विद्यार्थी बुधवार के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर के ओम बुं बुधाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हैं, वो विद्यार्थी अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यदि आप एक स्टूडेंट हैं और चाहते हैं अच्छे नंबर पाना, तो छोटा सा उपाय पंडित जी ने आपको बता दिया है, बुधवार का दिन याद रखिएगा और ये खास उपाय भी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली राशि की। अगली राशि है सिंह राशि। जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। नौकरी जहां आप कर रहे हैं, यहां आपका विदाउट टर्म प्रमोशन होगा। आपको उम्मीद नहीं होगी, लेकिन आपका प्रमोशन होगा और आपके काम की प्रशंसा होगी। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके बड़ी शीघ्रता के साथ पूरे हो जाएंगे। मित्रों का और भाइयों का बहुत ही आपके जीवन में सहयोग होगा। आपको चाहिए कि आज आप सूर्य का तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका एक माला जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर, जानते हैं वर्गोज की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज, पंडित जी बताइए। आज जो कन्या राशि के जातक हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। थोड़ा सा खर्च सोच समझ करके आपको करना चाहिए। आपको अपने आय व्यय का संतुलन बना करके रखना चाहिए। भाइयों और मित्रों का तो आपको सहयोग प्राप्त ही होगा, लेकिन यदि कहीं आपका धन काफी दिनों से रुका हुआ है तो उसके लिए अब प्रयास कीजिए। अब समय आ गया है कि आपका धन आपको वापस मिले। आज आपको चाहिए कि ओम बुं बुधाय नमः का जप कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। करें 7 अलग अलग तरह से पीपल के पेड़ की पूजा, जिससे कि 7 अलग अलग मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो सके, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं गुरुवार की और जानते हैं कि गुरुवार को पीपल के पेड़ की पूजा में क्या खास करना चाहिए ताकि इसका हमें पूर्ण लाभ मिल सके। पंडित जी बात करें गुरुवार की, एक तो हम गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करते हैं, उसी के साथ साथ अगर पीपल के पेड़ की पूजा करें तो क्या लाभ मिल सकता है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अर्थात बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार को पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला करके पीपल के पेड़ पर जल समर्पित करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे मावा से बनी हुई मिठाई, अगर पीली मिठाई हो तो सर्वोत्तम, यह भी चढ़ाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले फूल भी पीपल के पेड़ पर समर्पित करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे गुरुवार को सरसों के तेल का एक दिया जरूर जलाना चाहिए कुंडली में। इससे गुरु ग्रह को मजबूती मिलेगी और मान सम्मान बढ़ेगा, सुख संपत्ति भी आएगी और दीर्घायु जीवन आपका होगा, अकाल मृत्यु और छोटी उम्र से निजात मिलेगी। शुक्रवार और शनिवार को कैसे पीपल के पेड़ की पूजा करने से आपके तमाम जो बुरे ग्रह हैं वो शांत हो सकते हैं और आपको इसका पूर्ण फायदा मिल सकता है, ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं तुला राशि की। जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों के लिए सावधानी वाला दिन है। आज आप अपने स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण रूपेण चैतन्य रहिए। जरा सी भी आपकी लापरवाही आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है और आज कोई ऐसा निर्णय आप जल्दबाजी में ना लें जिससे आपके व्यवसाय में घाटा हो जाए। सोच समझ करके ही सामने वाले के ऊपर आज आप विश्वास करें। मित्रों और भाइयों का आपको सहयोग प्राप्त होगा और आज समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज आपको चाहिए कि गाय को हरा चारा आप जरूर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, स्वास्थ्य खराब रहने से आपका मन उदास रहेगा। किसी तरह का उत्साह आपके जीवन में आज के दिन दिखाई नहीं पड़ेगा। बिजनेस में तो आपको लाभ हो सकता है,
और नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी अनुकूल समय है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि अच्छा समय है। खर्चों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और आज आपको चाहिए कि शनि देव का तंत्रोक्त मंत्र ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। जयपुर से जितेंद्र कुमार जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जितेंद्र जी, टीवी की वॉल्यूम कम कीजिए, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। हम आप सभी से यही गुजारिश करते हैं कि जब भी हम आपसे सवाल करें आप उसका उत्तर दें और टीवी की वॉल्यूम कम करके रखें। जितेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुखी रहिए। हाँ, मैं ये कह रहा था पंडित जी महाराज, मेरे पास क्या बदलाव ऐसा है जो 6-7 महीने चलता है, बाकी बंद हो जाता है और जो कमाता हूँ वो सब खत्म हो जाता है मेरे पास। जी जी। और बिल्कुल ज्यादा खत्म होता है ना इंसान, वो हो चुका हूँ। देखो, काम धंधा भी नहीं है, परिवार में भी अशांति रहती है। ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा बेटा, आपके द्वितीय भाव का स्वामी शनि और सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा दोनों द्वितीय द्वादश भाव की स्थिति में है। अभी आपका भाग्य थोड़ा सा कम साथ दे रहा है, लेकिन आप यदि 100 दिन तक लगातार रामचरितमानस में जो सुंदर कांड है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उसका एक पाठ रोज शुरू कर दें और पंचमुखी हनुमान का एक मूर्ति, छोटी सी मूर्ति, 8 अंगुल के नीचे की मूर्ति घर में रख करके दक्षिणाभिमुख और उस पर सिंदूर तेल का लेप करें और चमेली के तेल का दिया जलाएं, तो निश्चित रूप से 100 दिनों के बाद आपके भाग्य में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको धन की समस्या हो रही है, संतान सुख नहीं है, दरिद्रता घर में बढ़ती जा रही है, तो शुक्रवार के दिन कैसे करनी है आपको पीपल के पेड़ की पूजा और साथ ही क्या खास उपाय करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, कैसे करें शुक्र को मजबूत, शुक्रवार का खास दिन? देखिए, शुक्रवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाने का शास्त्र सम्मत विधान है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा लक्ष्मी, जिनको दरिद्री भी कहते हैं, उनका भी वास पीपल के पेड़ में होता है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने पर महालक्ष्मी निश्चित रूप से लोगों के ऊपर मेहरबान होती हैं और दरिद्री अर्थात ज्येष्ठा लक्ष्मी का दुष्प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है। पीपल के पेड़ की शुक्रवार के दिन 7 परिक्रमा करनी चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे शुक्रवार को कपूर जरूर जलाना चाहिए। शुक्रवार को पीपल के पेड़ के नीचे आटे की पंजीरी भी रखने से लाभ मिलता है। निश्चित रूप से इससे दाम्पत्य जीवन सुखी होता है और पुरुष का पुरुषार्थ जागृत होता है। निश्चित रूप से विलासिता संबंधी कार्यों में लगे हुए लोगों को अपने मिशन में सफलता मिलती है। चलिए रुक करते हैं धनु राशि का, जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए, आज धनु राशि के जातक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें वरना परेशानी हो सकती है। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके सफल होंगे और आज आपका आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों की वृद्धि होगी। खर्चों पर अंकुश लगा करके चलें जिससे आपके सामने कोई वित्तीय संकट ना खड़ा हो। आज आपको चाहिए कि गायत्री मंत्र का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात कर लेते हैं शनि देव की। दिन है शनिवार का, ऐसे में शनिवार के दिन आप किस तरह से पीपल के पेड़ की पूजा करें ताकि शनि शांत हो जाए और साथ ही साथ उनके राहु केतु भी अपना आशीर्वाद आपको दें, आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी, यदि शनिवार का दिन आता है हफ्ते में तो कैसे उस दिन हमें पीपल के पेड़ की पूजा करनी है? शनिवार को पीपल के जड़ में थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए, कम से कम 3 बूंद सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। तिल के तेल का दीपक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं या सरसों के तेल का दीपक भी पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे मिश्री चढ़ाने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार को पीपल के नीचे शहद चढ़ाने से राहु कुंडली में मजबूत होता है, राहु ग्रह का बुरा प्रभाव समाप्त होता है। और शनिवार को पीपल की जड़ में गंगा जल चढ़ाने से केतु ग्रह भी अनुकूल हो जाता है और उसकी भी शुभता प्राप्त होती है। इसी के साथ बारी आ गई है हमारे स्पेशल कॉलर को सुनने की, जो कि है मुंबई की रहने वाली मनीषा। क्या किया है इन्होंने अपना सवाल रिकॉर्ड, आइए सुनते हैं। मेरा नाम मनीषा है, उम्र 35 साल। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 जुलाई 1977। मैं उनके बिजनेस में तरक्की के बारे में पूछना चाहती हूँ। मनीषा जी, आपके पति भाव का स्वामी शनि
और उससे दशम भाव का स्वामी मंगल, मंगल और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी आपके पति देव का भविष्य बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, व्यवसाय में बहुत सफलता नहीं मिल पा रही है। इन्हें चाहिए कि हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दिया जलाएं और सात परिक्रमा जरूर करें। एक लोहे का छल्ला शनिवार के दिन 4 बजे शाम को अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, बीच वाली उंगली में धारण करें, इससे इनका कल्याण होगा। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉल है फरीदाबाद के रहने वाले अमित विश्वास, इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भविष्य, इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी बताइए। अमित विश्वास का जन्म 7 फरवरी 1988 को 10:40 पर दिन में फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। इनकी जन्म कुंडली देखी जाए तो मेष लग्न की इनकी जन्म कुंडली है। जन्म लग्न का स्वामी, शरीर भाव का स्वामी मंगल मृत्यु स्थान में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है और इनके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति लग्न में बैठ करके लग्नेश मंगल के साथ खडाष्टक योग बना रहा है। इनके जीविका भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि नव मेष सर्वदा सौम्य, नव पूर्व फलदायक। ऐसे में आपका जीवन काफी संघर्षों से होकर के गुजर रहा है, आपकी मानसिक अवस्था काफी कष्टप्रद है। राहु में बुध का अंतर चल रहा है, राहु आपके कुंडली के एकादश भाव में बुध के ही साथ विराजमान है। 14 अक्टूबर 2014 तक ये दशा रहेगी। 14 अक्टूबर 2014 के बाद आपके जीवन में सुधार आएगा और नौकरी में जो आ रही कठिनाई है वो भी दूर होगी, लेकिन आपको शनिवार को हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। यदि आप शनिवार के दिन हनुमान जी की उपासना करेंगे और शनिवार के दिन काला कपड़ा, कंबल ये किसी गरीब पात्र व्यक्ति को दान करेंगे तो इससे आपके भाग्योदय में सहायता मिलेगी।